हाय गाइस, मैं आपके साथ ज्योति। और आज हम कौन सी वीडियो रिएक्शन करेंगे ज्योति? हम रिएक्शन देने वाले हैं बीबी की वाइन। बीबी की वाइन, ओके। बीबी की वाइन की वीडियो तो आपको पता है कितनी अच्छी होती है, और हम आपके लिए हर एक लेटेस्ट वीडियो रिएक्शन देते हैं। सो बीबी की वाइन की एक लेटेस्ट वीडियो आई है, हम उस पर रिएक्शन करने वाले हैं। टाइटल होगा द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस से तात्पर्य है तुम्हारा? से किसी के लिए कुर्बानी देना। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो? यार आज कंपनी ने ऑफिस में सभी को बोनस दिया है 30,000 का। ये देखो चेक। चलो अब इस घर की किस्त भर देंगे इसी से। एक महीने की छुट्टी। पापा पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। अरे भुवन बेटा ये देख ऑफिस से क्या मिला, दिखा दिखा। नहीं मैं आप दोनों से कब से मांग रहा हूँ, मैं लैपटॉप चाहिए मुझे। है तो सही तेरे पास? वो पुराना हो गया, नए फीचर्स भी नहीं है उसमें। अच्छा कितने तक का आ जाएगा? 40-45,000 तक का आएगा बस। ये लो कर लो बात। थोड़ा महंगा नहीं है? आजकल सारे लैपटॉप्स इतने की आती हैं, और उसमें ना टच स्क्रीन भी है, और उसका प्रोसेसर एकदम नया है, उसमें नई नई गेम्स खेल सकते हैं, और एकदम लेटेस्ट मॉडल है। और प्लीज पापा यार आप लोगों से मैं कब से मांग रहा हूँ। पर जरूरत क्या है? अरे होगी तभी तो मांग रहे हैं। बेटा तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ कुछ। थैंक यू पापा। हाँ भाई, भाई बोल दिया, पापा ने हाँ बोल दिया। क्या जरूरत है नए लैपटॉप की? जरूरत तो नहीं है, पर बच्चों को कौन समझाए, हम ही हैं जिनसे वो कुछ भी मांग सकते हैं। मेरे पिताजी को सिगरेट पीने की आदत थी, तो वो माँ से छुपकर सैर करने के बहाने रोज मार्केट निकल जाया करते थे। मैं भी छोटा था तो जिद करके उनके साथ चल पड़ता। मैं हर बार उनसे वो 5 रुपए वाली चॉकलेट मांगता था, और वो मुझे डांट के चुप करा देते थे, मना कर देते थे। एक दिन मैंने गुस्से में उनके पीठ पीछे से वो चॉकलेट चुरा ली। दुकानदार ने देख लिया, अब मुझ छोटे बच्चे को क्या बोलेगा, तो उसने पिताजी को खरी खोटी सुना दी। अगले एक हफ्ते तक वो मार्केट नहीं गई शर्म के मारे, और मैंने भी इज्जत छोड़ दी। एक दिन ऑफिस से घर आए तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक डब्बा है जिसमें 50-60 चॉकलेट हैं। मैंने पूछ लिया कि ये क्या है इतनी सारी चॉकलेट, तो कहते बेटा तू अपनी इज्जत छोड़ सकता है तो ये तो फिर भी सिगरेट है। सिगरेट के पैसे जोड़कर मेरे लिए महंगी वाली टॉफी ले आई। मेरी इतनी सी इज्जत पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी आदत छोड़ दी। कहते हैं ना जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मेरे पिताजी ने वो चादर कभी छोटी पड़ने ही नहीं दी। मैं पैर फैलाता गया और वो चादर लंबी करती गई। अगर वो मेरे लिए इतनी बड़ी आदत छोड़ सकते हैं तो ये तो फिर भी बोनस है। सही बात, कल फिर मिल जाएगा। पर किस्त का क्या, समझ लेंगे ऐसा कोई बोनस ही नहीं आया। ऊपर वाले ने हाथ पैर सलामत दिए हैं, एक आध महीना और मेहनत करके चुका देंगे किस्त। अब इसकी ये जिद में मुझे अपना बचपन दिख रहा है, लेकिन चॉकलेट थोड़ी महंगी हो गई नहीं? बहुत बड़ा था। मतलब इस वीडियो में ये दिखाया कि चाहे पिताजी हो या फ्रेंड हो या कोई भी हो, लोग अपने को लिए किस तरीके की कुर्बानी देते हैं। हाँ, और ये तो अपने ही करते हैं, और आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा, और आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए कभी ऐसे हालात आए होंगे जिसमें उन्होंने आपको ऐसे आपकी फरमाइश पूरी की होगी। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, आपको तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि हमारा ये रिएक्शन आपको कैसा लगा। यस, सो शेयर करें जितना कर सकते हैं, एंड अभी के लिए हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर यार। आई एम